हेलो यार, आज एक बार फिर से आ चुकी है हमारी सबसे पॉपुलर सीरीज की वीडियो। प्रियांशु यादव और प्रीत 07 की तरफ से कमेंट आया कि जय ब्रो नाइट ऑफ चैंपियंस के टॉप 5 बेस्ट मैचेस बताओ। यार बात तो सही है, नाइट ऑफ चैंपियंस ने काफी टाइम बाद अपना रिटर्न किया और नाइट ऑफ चैंपियंस में आज तक बहुत से कमाल के मैचेस हो चुके हैं। पहले आगे जाने से पहले अगर आपके मन में कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। सर, मैच नंबर 5 इज जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, जो कि हुआ था नाइट ऑफ चैंपियंस 2012 में फॉर दी WWE हेवीवेट चैंपियनशिप। जॉन सीना और सीएम पंक ने ऑलरेडी काफी अमेजिंग मैचेस दिए हमें, चाहे वो रॉक एपिसोड्स पे हो, चाहे वो मनी इन द बैंक हो, समरस्लैम हो, मतलब भर के अच्छे मैचेस दिए। और नाइट ऑफ चैंपियंस 2012 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब सीएम पंक ने समरस्लैम 2012 में अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी। एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था उनका, जॉन सीना और बिग शो थे उस मैच में। पर मैच का फिनिश कुछ इस तरह हुआ था, जॉन सीना ने बिग शो पे मूव लगाया था बट सीएम पंक ने फटाफट जॉन सीना को बाहर फेंक दिया रिंग के और स्टील कर ली थी वो विक्ट्री। तो इस सब के चलते जॉन सीना एक रीमैच डिमांड करते हैं सीएम पंक से और फिर हमें ये मैच देखने को मिलता है। तो पहले तो यार काफी लंबे टाइम तक पूरी टेक्निकल वाली रेसलिंग करते हैं, काफी सारे अपने सिग्नेचर फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं लेकिन लगता नहीं है। काफी सारे सबमिशन मूव्स हमें देखने को मिलते हैं दोनों की तरफ से, बट मैच पेस वहां से पकड़ता है जहां से सीएम पंक जीटीएस लगाने लगते हैं जॉन सीना पे, लेकिन सीना उसे रिवर्स करके एसटीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि सीएम पंक बचते हैं और वो जीटीएस फाइनली हिट कर देते हैं जॉन सीना पे, लेकिन जॉन सीना किक्स आउट। इसके बाद जॉन सीना सीएम पंक पे एए लगा देते हैं लेकिन सीएम पंक भी किक आउट कर देते हैं। कुछ देर और कमाल की हाई डाइव्स और मूव्स लगाने के बाद सीएम पंक एक और जीटी सिट कर देते हैं जॉन सीना पे, लेकिन फिर से जॉन सीना किक आउट। यार सीएम पंक को लगता है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, वो रॉक बॉटम के लिए जाते हैं जॉन सीना पे और हिट भी कर देते हैं रॉक बॉटम जॉन सीना पे, पिन करते हैं 1-2 एंड स्टिल जॉन सीना किक आउट। इस टाइम तो भाई पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए थे सीएम पंक की भाई सब ट्राई कर लिए, ये बंदा हार ही नहीं रहा। जॉन सीना मोमेंटम लेते हैं, सीएम पंक पे ए हिट कर देते हैं लेकिन सीएम पंक भी किक आउट कर देते हैं। देन मैच के बिल्कुल एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है जब सीएम पंक सेकंड ड्रॉप पे होते हैं, जॉन सीना उनके पीछे जाते हैं और एक जर्मन सुपरप्लेक्स हिट करते हैं सीएम पंक के ऊपर और उसी पोजीशन में पिन कर देते हैं उन्हें 1-2 एंड 3 एंड जॉन सीना बिकेम द न्यू WWE हेवीवेट चैंपियन। और जब यार मैं मैच देख रहा था, मैं बहुत चाहता था कि जॉन सीना इस मैच को जीत जाए, लेकिन जब जॉन सीना चैंपियन बन गए तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे जॉन सीना हार भी जाते तो क्या ही हो जाता, मतलब मुझे उससे क्या। मैं उस टाइम पे ऐसा सोचने लग गया सच में। और तब भी क्या देखने को मिलता है कि रेफरी चैंपियनशिप ले लेता है जॉन सीना से और कहता है कि भाई ये मैच सही से एंड नहीं हुआ, असली चैंपियन सीएम पंक की है, क्योंकि जब पिन हुआ था तो दोनों के शोल्डर्स मैट पे थे, यानी कि वो पिन सही हुआ ही नहीं। बस फिर क्या था, सीएम पंक ने हिट कर दिया उस चैंपियनशिप से जॉन सीना के ऊपर और रिटेन करके ले गए अपनी चैंपियनशिप को। एक बात मैंने आपको बताई, डोरेमोन भी साथ थे उस टाइम पे सीएम पंक के। हां यार काफी अच्छा मैच था, काफी अच्छी स्टोरी थी, काफी बैक एंड फोर्थ मैच रहा और मैच एंडिंग ने तो मतलब दिमाग ही फेर दिया था। पहले मैं चाहता था जॉन सीना चैंपियन बने, जब वो बन गए तब मैं सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है कि बने ना बने, और ये सोचते ही सीएम पंक को वापस से चैंपियनशिप मिल गई और फिर मैं फिर दुखी हो गया यार, जॉन सीना चैंपियन नहीं बने। ओ भाई क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो मैं बोलूंगा ही नहीं, नेक्स्ट मैच की तरफ मैं सीधा चलता हूं, जो कि हुआ था रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस जॉन सीना के बीच नाइट ऑफ चैंपियन 2009 में फॉर दी WWE चैंपियनशिप। यार बहुत ही कमाल का मैच था, सोचो यार तीन इतने लेजेंडरी सुपरस्टार्स एक मैच में। यार मैच के स्टार्टिंग में क्या होता है, जॉन सीना और ट्रिपल एच मतलब टीम अप ही कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट और भाई पकड़ पकड़ के जो मारते हैं उन्हें, रैंडी ऑर्टन कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं दोनों से लेकिन पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। और मैच के एक पॉइंट पे ये दोनों मिलकर रैंडी ऑर्टन को साइड लगा देते हैं और फिर ये बचते हैं रिंग के अंदर। देन ट्रिपल एच जॉन सीना पे पेडिग्री हिट कर देते हैं, पिन करने लगते हैं लेकिन ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन बचा लेते हैं पिन को। देन एक कूल स्पॉट हमें देखने को मिलता है, जॉन सीना ट्रिपल एच को पीछे फेंकते हैं, रैंडी ऑर्टन टॉप रॉप पे होते हैं और रैंडी ऑर्टन के घुंघरू टूट जाते हैं भाई गंदे तरीके। इसका फायदा उठा के फटाफट जॉन सीना एसटीएफ लगा देते हैं ट्रिपल एच के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर में पंट किक लगाने के लिए आ जाते हैं जैसे ही रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना देख लेते हैं बच जाते हैं उससे, रोल अप करते हैं रैंडी ऑर्टन को 1-2 एंड रैंडी ऑर्टन किक्ड आउट। एंड मैच के बिल्कुल एंडिंग मोमेंट्स में ट्रिपल एच ने सबमिशन मूव लगाया होता है रैंडी ऑर्टन पे और जॉन सीना भी साथ ही मिलकर एसटीएफ लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन पे। फिर क्या था, रैंडी ऑर्टन को बचाने के लिए टेडी डीबियासी और कोडी रोड्स आ जाते हैं वहां पे, बट फिर भी जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने लगते हैं कोडी रोड्स पे और उसी पोजीशन में रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर, पिन करते हैं सीना को 1-2 एंड 3 और रिटेन कर लेते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप को। मतलब बहुत ही कमाल का मैच था यार, 2009 यानी कि 14 ईयर्स हो गए यार उस बात को। चलो नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इसी नाइट ऑफ चैंपियंस में इसी साल में हुआ था एंड दिस मैच वाज जेफ हार्डी वर्सेस सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लुक एट 2009 के समर के टाइम पे बहुत ही कमाल की फ्यूड रही थी सीएम पंक और जेफ हार्डी की। इस मैच के होने से एक महीना पहले एक्सट्रीम रूल्स हुई थी जहां पे सीएम पंक ने कैश इन कर लिया था मनी इन द बैंक अपना और जेफ हार्डी से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। अब यार मुझे इतने टाइम पहले का पूरा अच्छे तरीके से तो याद नहीं है, बट मुझे याद है कुछ ऐसा हुआ था जहां पे सीएम पंक ने फेक अपनी इंजरी बताई थी कि भाई मैं कंपीट नहीं कर सकता और रेफरी उन्हें लेके चला गया था, जिससे कि जेफ हार्डी बड़े परेशान थे और
और जब भी मैच हुआ तब फिर से सीएम पंक ने ये चीज करने की ट्राई की थी, लेकिन उससे पहले जेफ हार्डी ने ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया था सीएम पंक पे, और जैसे ही वो स्वांटम बॉम्ब लगाने के लिए जाते हैं सीएम पंक अपनी नीज ऊपर कर देते हैं, कुछ ही देर में वो जीटीएस हिट कर देते हैं जेफ हार्डी के ऊपर, लेकिन जेफ हार्डी किक्ड आउट। और जब ये चीज होती है तो उसके बाद सीएम पंक अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उठाते हैं रिंग साइड से और जाने लग पड़ते कि भाई मैच चला, अच्छा भाई खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। लेकिन इस बार नहीं, इस बार जेफ हार्डी खींच के वापस लाते हैं रिंग में सीएम पंक को, दोबारा से ट्विस्ट ऑफ फेट हिट करते हैं, स्वांटम बॉम्ब हिट करते हैं, पिन करते हैं सीएम पंक को 1, 2 and 3 एंड जेफ हार्डी बिकेम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। व्हाट अ मोमेंट यार, इतनी अच्छी राइवलरी, इतनी अच्छी फ्यूड के बाद जेफ हार्डी हमें वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिले थे एंड जेफ हार्डी मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक थे, तो मैं तो मतलब बहुत ही खुश था। नेक्स्ट मैच एक सिक्स पैक चैलेंज था फॉर द WWE चैंपियनशिप, जिसमें कि ये सारे सुपरस्टार्स कंपीट कर रहे थे और शेमस हमारे WWE चैंपियन थे। और यार सोचो 6 सुपरस्टार्स इतने कमाल कमाल के एक रिंग के अंदर, तो क्या क्या नहीं हो रहा होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा था यार किसको देखें, यहां भी कुछ चल रहा है, वहां भी कुछ चल रहा है, बैक एंड फोर्थ चीजें हुई जा रही हैं। और हाँ, ऐसा नहीं था कि किसी एक को पिन कर दिया तो जीत गए, ये एक एलिमिनेशन मैच था, यानी जो जो पिन होता जाएगा वो एलिमिनेट होता जाएगा। तो पहले सुपरस्टार जो एलिमिनेट होते हैं क्रिस जेरिको, जब सीएम पंक आरके हिट कर देते हैं उन पे, ठीक है, बाकी के चार सुपरस्टार मिलके वेड बैरेट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैच के एक पॉइंट पे एज स्पीयर हिट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ते हैं जॉन सीना ए हिट कर देते हैं यार एज पे, और एज भी एलिमिनेट हो जाते हैं मैच से। इसके बाद क्या होता है, वेड बैरेट की हेल्प करने पूरी नेक्सस आ जाती है, जिसकी पूरी डिस्ट्रैक्शन वगैरह के चलते वेड बैरेट अपना फिनिशर हिट कर देते हैं जॉन सीना पे, और जॉन सीना भी मैच से एलिमिनेट। भाई नेक्सस तो मिलके शेमस रैंडी ऑर्टन दोनों को धोती है बुरी तरह से, लेकिन तभी भाई ये सारे दोस्त बन जाते हैं, जॉन सीना जो एलिमिनेट हो चुके थे वो भी अटैक करते हैं नेक्सस पे, रैंडी ऑर्टन भी आरकियोज पे आरकियोज लगा रहे हैं, और ऐसे ही वो वेड बैरेट पे भी आरकियो लगा देते हैं और उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं मैच से। लेकिन जैसे ही रैंडी ऑर्टन पीछे मुड़ते हैं शेमस ब्रॉक किक लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन पे, पिन करते हैं उन्हें 1, 2 and ही स्टिल किक्ड आउट। यहां पे तो मैच भाई मतलब पेस क्या ही चली गई थी, शेमस अपना सिग्नेचर लगाने लगते हैं उसके बाद रैंडी ऑर्टन पे, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे रिवर्स करते हैं और आरकियो हिट कर देते हैं यहां पे शेमस पे, पिन करते हैं 1, 2 and 3, रैंडी ऑर्टन बिकेम द न्यू WWE चैंपियन। ओ भाई क्या मैच था यार, इसे जाके देखना यार एक बार, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द वन फाइनल लास्ट मैच, ये मैच हुआ था केन वर्सेस द अंडरटेकर के बीच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि उस टाइम पे केन के पास थी। यार ये दो भाई द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये मैच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था, फिर तो सोचो कि स्टेक कहां पे चला गया। यार इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि अंडरटेकर पे कुछ अटैक हुआ था, जो कि बाद में पता चलता है कि केन ने करवाया था। एक बार फिर से काफी टाइम बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं और इनकी राइवलरी शुरू होती है और फिर ये मैच होता है। और भाई साहब क्या मैच था ये, और भाई अंडरटेकर तो इतने गुस्से में थे कि केन की एंट्रेंस होने भी नहीं दी उन्होंने, एंट्रेंस टाइम ही वो केन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ये दोनों स्टेज पे लड़ते हैं, और ये रेसलिंग वाइज तो मैच अच्छा था ही, मैच के बीच इन दोनों की स्टोरी टेलिंग यार देख के लगता है कि दो भाइयों के बीच को लड़ाई हुई है सीरियस वाली, और दोनों मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है एक दूसरे से, मतलब मार ही देंगे आज तो। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है जब अंडरटेकर चॉक स्लैम लगा देते हैं केन पे, जैसे ही अंडरटेकर हिट करने वाले होते हैं केन उसे रिवर्स कर देते हैं और अंडरटेकर पे टॉम्बस्टोन हिट कर देते हैं, पिन करते हैं 1, 2 and 3, और केन ने इसी तरह रिटेन कर ली थी अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जो अंडरटेकर का बदला था वो पूरा नहीं हो पाया यार, दर्द में मायूस से अंडरटेकर हमें जाते हुए देखे थे रैंप से। ओके यार यही थे सारे नाइट ऑफ चैंपियंस के बेस्ट मैचेस। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, बात-बात करनी है, तो इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर लेना मुझे। बाकी रोमन रेंस के पास ऑलरेडी 2 टाइटल्स तो हैं, बट क्या वो न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं, वो जानना तो यार ये वाली वीडियो देख लेना। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।